इस वीडियो के लिए भाई बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भाई ऐसा कुछ बताओ कि हम अपने बालों को नेचुरली स्ट्रेट कर सके किसी भी हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को यूज किए बिना। क्योंकि भाई होता क्या है ना कि जो हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है उनके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि हमारे हेयर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर हम लोग केमिकल का ज्यादा यूज करते हैं तो भाई हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई लोग हमें कम से कम केमिकल का यूज करना है अपने बालों के लिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपके हेयर को स्ट्रेट करने के लिए भाई वो पूरी तरह से नेचुरल है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको, आपके बालों में हेयर फॉल जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई जो रिजल्ट आपको एक हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम को यूज करने से मिलते हैं भाई वही सेम रिजल्ट आपको इसको यूज करने से मिलेंगे। भाई मैं पर्सनली भी इसको ही यूज करता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस मिक्सचर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले भाई आपको चाहिए एक बाउल, ठीक है, इस बाउल में आपको इस मिक्सचर को बनाना है। इसके बाद में हमें चाहिए भाई ये एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल काफी अच्छा होता है भाई हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, ठीक है, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। इन दोनों चीजों के बाद में हमें चाहिए भाई ये एग। अब एग हमारे बालों को स्ट्रेट करने में मदद तो करेगा ही करेगा, उसके साथ में अगर हमारे बाल डैमेज हो रहे होंगे तो वो उन्हें भी ठीक करेगा, हमारे बालों को पहले से ज्यादा सिल्की करेगा, और भाई अगर हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो उसको भी ठीक करेगा। ये लोग एग बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, तो आप इसको जरूर यूज किया करें। आपको इस एग को ना इस बाउल में निकाल लेना है, ठीक है, इस बात का याद रखना है आपको सिर्फ एग व्हाइट लेना है, जो एग योक होता है ना येल्लो वाला पार्ट होता है उसको नहीं लेना है, ठीक है। एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे अपन इसमें, आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करना है, ठीक है, हल्का सा, फिर इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप इसमें एक और चीज़ मिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास है तो भाई, आप कैस्टर ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा एक स्पून आपको कैस्टर ऑयल लेना है और वो भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, पर मैं अभी इसमें कैस्टर ऑयल यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास में कैस्टर ऑयल नहीं है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इस मिक्सचर को लगाने से पहले आपको एक चीज़ करनी है भाई, आपको एक कॉम लेना है, ठीक है, इस कॉम से ना आपको अपने सारे बालों को यूँ पीछे करना है, मतलब इसको सीधा करना है आपको सारे बालों को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बाल काफ़ी हद तक स्ट्रेट इसी से हो जाएंगे। अब इस कॉम को यूज करने के बाद में आपको इस मिक्सचर को अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, ठीक है, आपको स्केल से शुरू करना है, स्केल में लगाना है अच्छे से और फिर अपने सारे बालों में लगाएं, ठीक है, अच्छे से लगाना है आपको। देखिए मैंने अपने सारे बालों में अच्छे से उस पेस्ट को लगा लिया। अब इसको मेरे को आधे घंटे तक ऐसे लगा कर रखना है आपको, ठीक है, अब आधे घंटे के बाद में आपको इसे वॉश कर लेना है। मुझे 30 मिनट पूरे हो गए थे वो मिक्सचर को लगाए हुए, मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया, ठीक है, अब मैं अपने बालों को आपको ड्राई करके दिखाता हूँ। भाई ये देखिए मैंने अपने बालों को ड्राई कर लिया आपके सामने और भाई देखिए कितने अच्छे स्ट्रेट हुए, आप देख सकते हैं, देखिए भाई एक एक बाल एकदम तार की तरह सीधा हो गया। मैं तो भाई लोग आप ये चीज को जरूर ट्राई करें अगर आप अपने बालों को घर पर ही और नेचुरली स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है भाई, क्योंकि भाई जो भी चीजें हमने इसमें यूज करी है वो सभी की सभी नेचुरल है भाई और किसी का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है भाई। एलोवेरा जेल को ले लो भाई, वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और भाई हमारे हेयर के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। भाई इसके बाद हमने इसमें एग व्हाइट का यूज किया जो हमारे बालों के लिए तो भाई बहुत अच्छा होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है भाई, खाने में भी एक बहुत अच्छा होता है और भाई लगाने में भी एक बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और भाई वीक में दो बार तो आप अपने बालों में एग व्हाइट को जरूर लगाया करो, क्योंकि आपके बाल अगर डैमेज हो रहे होंगे वो उन्हें भी रिपेयर कर देगा और भाई आपके बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही होगी वो सभी को ठीक कर देगा। भाई एग व्हाइट तो आप लगाया ही करो, आप लोग इस चीज को ट्राई करना और भाई फिर मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे रिजल्ट मिले, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे और मैं इसको ही हमेशा यूज करता हूं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो भाई लाइक किए बिना नहीं जाना भाई, लाइक कर दिया करो, क्या जाता है लाइक करने में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो भी जाओ और जल्दी से कर लो।